हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ARS फंतासी राइट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये कहानी इतनी लंबी क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि ये एक नॉवल बेस्ड स्टोरी है। इसमें मैंने फंतासी फिक्शन ऐड किया है और ये मैंने खुद ही लिखा है। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। आई होप आपको आने वाले एपिसोड काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि अब जैन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और आने वाले एपिसोड में जारून पर पैरीजात की तिलिस्मी का असर 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एंडिंग यहीं पर नहीं होगी। अभी अरीना दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करेगी, और कैसे जैन और नूरा उसका सामना करेंगे। सो नाउ स्टार्ट एपिसोड 12 चैप्टर 2। जैन नूरा को अपनी दिल की बात बताता है, जिससे नूरा बहुत खुश होती है। अरीना उन दोनों को अलग करना चाहती है, पर उन दोनों की कमजोरी उसे पता चल चुकी है, इसलिए वो इंतज़ार करती है। अब आगे जैन उसे बड़े गौर से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं, उसने सवाल किया। जैन मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस कुछ याद आया। वह क्या? जानती हो, तुमने तो आने से पहले ही मेरी नींदें उड़ा दी थी, तो आपने अपनी नींद ना पूरी होने का बदला लिया मुझसे। उसकी बात पर जैन जोर से हंसा। हाँ, यही समझ लो। वो भी हंसने लगी। अरीना भी उन दोनों को देख रही थी। तुम दोनों को क्या लगता है, अरीना इतनी जल्दी हार मान लेगी? गलत फहमी है तुम्हारी। अभी आगे आगे देखो, होता है क्या। ये सब उसे खूबसूरत सपना लग रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठी और अपना मन पसंद डार्क ब्लू ड्रेस पहना और खूबसूरत ब्लू झुमके। उसकी रूममेट उसकी यह हरकत नोट कर रही थी। लगता है आज तुम्हारी डेट है, उसने कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सर हिला दिया। उसकी रूममेट ने खिड़की से झांका और हैरान रह गई। नूरा उस वक्त अपना बैग पैक कर रही थी। जैन मलिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। वो तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं, बल्कि लीजा से भी ज़्यादा अटैच नहीं था, और तुम्हें यहाँ तक लेने आ गया। वो बस हैरान थी। नूरा मुस्कुराई और बाहर आ गई, और उसकी रूममेट अभी तक हैरानी से मुँह खोले खड़ी थी। नूरा बालकनी में आई तो देखा जैन अपनी कार के पास खड़ा था। नूरा उसे देखकर मुस्कुराई और वो भी मुस्कुराया। ये नज़ारा उनकी रूममेट भी देख रही थी। आज तो ये दोनों कॉलेज की हेडलाइन बनने वाले हैं। जैन ने कार का दरवाज़ा खोला और वो उसे देखती हुई संभल कर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और ग्लासेस लगाए। अब वो और भी स्मार्ट लग रहा था। वो उसे देखने लगी। क्या देख रही हो, उसने हाथ फहराया तो वो चौंकी। कुछ नहीं, बस ये सब एक ख्वाब लग रहा है। तभी जैन ने उसका हाथ लेकर अपने दिल पर रखा। अब कैसा लग रहा है, और वो शर्मा गई। जैन मुस्कुराता हुआ उसे वहाँ से ले गया। भाई तो आज भी गायब है, निखत उदास थी। लगता है नूरा को मारने का गिल्ट अभी तक है, साहिल बोला। डम्बो, अब वो तेरी भाभी बनने वाली है, तो तमीज से नाम ले, नुजत ने उससे कहा, जो अपने आर्टिकल के लिए फोटो खींच रही थी। ओह माय गॉड, निगत नुजत शॉक रह गए, क्योंकि आज जैन अकेला नहीं था, बल्कि साथ में नूरा भी थी। दोनों ने डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उन दोनों की फोटो क्लिक कर नुजत ने स्टेटस लगाया और कैप्शन में लिखा #ट्विनिंग भैया भाभी, और कॉलेज ग्रुप पर सेंड कर दिया। इससे सबको यह पता चल गया कि वो दोनों सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि शादी करने वाले हैं, और ये कोई शॉक न्यूज़ से कम नहीं थी। वो दोनों चलते हुए उनके पास आए। हेलो गाइस, नूरा ने कहा। निगत खुशी से नूरा के गले लगी। वाओ यार, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे भाई, आप इसलिए लेट हो गए और हमें घर ही भूल आए, निगत गुस्सा हुई तो जैन मुस्कुराया। वैसे ये आपकी GF बाद में, मेरी फ्रेंड पहले है, सो बाय बाय। वो नूरा को वहाँ से ले गई और जैन गहरी सांस लेकर रह गया। तभी साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, पहली बार है ना, होता है होता है। तभी जैन ने उसकी गर्दन दबोच ली। तुम्हें बड़ा पता है इन सब बातों के बारे में, और उसे ऐसे ही लेकर अंदर चला गया।
आज वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उनका ग्रुप मुकम्मल था। घर चलो, जैन ने नूरा से कहा। नहीं, मैं हॉस्टल में ही ठीक हूँ और वैसे भी घर आई तो पढ़ नहीं पाऊंगी, जैन समझकर हंसने लगा। ओके, गुड बाय, अब आप भी जाइए और मुझे भी पढ़ने दीजिए, ये कहकर वो जाने लगी। तभी उसने मुड़कर पीछे जैन को देखा पर वहाँ कोई नहीं था। जैन, तभी वो मुड़ी और डर गई क्योंकि जैन जारून बना उसके सामने था। आपने तो मुझे डरा ही दिया। वेल, गुड बाय ऐसे नहीं कहते हैं। तो ठीक है, आप बता दीजिए कैसे कहते हैं। तभी जैन ने उसे गले से लगाया और उसके कान में कहा, ऐसे कहते हैं। नूरा शर्मा गई और उससे अलग हुई। अब जाइए, नहीं तो कोई देख लेगा। जैन अपनी कार लेकर वहां से चला गया। आज सायरा ने नूरा को ज्वेलरी सिलेक्ट करने के लिए बुलाया था, तभी जैन उसे अपने कमरे में ले आया। रूम बड़ा था, सलीके से सजा हुआ, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी महल का कमरा है। बेड के सिरहाने दीवार पर जैन की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रहा था और हल्की सी मुस्कुराहट उसे किसी दुनिया का शहजादा बना रही थी। बेड के सामने ही एक बड़ी सी खिड़की थी जो बालकनी में खुलती थी, जिसे देखकर लग रहा था वह यहीं से आना जाना करता है। बहुत खूबसूरत है, उसने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। तभी वो चलती हुई बुक शेल्फ के पास आई। इतनी सारी बुक्स, आप क्या पढ़ते हैं? 13 Rules of Love, उसने नूरा को देखते हुए कहा। नूरा हैरानी से उसे देखने लगी। ये बुक तो मुझे भी बहुत पसंद है। जैन उसके करीब आया और उसका हाथ थमा। मैं वही करता हूँ जो मेरी पसंद को पसंद है, नूरा मुस्कुराने लगी। तभी वो उसको एक झटके से लेकर बाहर उड़ गया और उसे एक खूबसूरत जगह लेकर आया। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है, वो उसे लिए एक पहाड़ की चोटी पर आया था जहाँ से डूबता सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था और नीचे दरिया बह रहा था। सपने सच भी होते हैं, उसने उसके कान में कहा। और कुछ देखना चाहोगी? नूरा ने हाँ में सर हिलाया। तभी जैन उसे लेकर उड़ने लगा। पता है दाईजान को मैं कहती थी मैं उड़ना चाहती हूँ, तो वो हंसी से कहती थी वो मेरी शादी पायलट से कराएंगी। वैसे पायलट से शादी करके भी मैं सारे नज़ारे देख लेती। तभी जैन को गुस्सा आया। पर ऐसे नहीं, नीचे देखो। उसने नीचे देखा और डर गई और उसकी कॉली भर ली। वो बहुत ऊपर आ चुके थे। इस खूबसूरत सैर के बाद अब दोनों दरिया के किनारे बैठे थे। मुझे बचपन से शौक था कि मैं, काश मैं उड़ पाती, इन परिंदों की तरह मेरे भी पंख होते, जैन से देखने लगा। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मुझे एक परिंदा मिल गया, ये कहकर वो हंसने लगी। जैन नाराज हुआ। तो अब ये परिंदा थक चुका है तो खुद घर आ जाना, यह कहकर वो खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। नूरा उसके पीछे भागी। हंसने लगी। जैन अभी भी गुस्सा था। चले सजना ना सही, परिंदे तो है ना। वो रुका और नूरा को देखने लगा जो कानों पर हाथ रख के माफी मांग रही थी। वो हंसी तो जैन भी हंसने लगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी पर इससे भी ज्यादा आने वाली मुश्किलें बहुत ज्यादा थी। तुम दोनों जानते हो ना क्या करना है। चलने वाली थी, उसके बाद पर अमल करने के लिए इशार और निकाल वहां से निकल गए। सो गाइस, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, प्लीज लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।